चलिए एक नया डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं जो कि है चंपावत जिला। कुमाऊं का छोटा जिला, ओवरऑल जो उत्तराखंड है उसका सबसे छोटा एरिया जो है, सबसे कम एरिया चंपावत का ही है। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट का हम यहाँ पर रिवर सिस्टम आज जानने वाले हैं, ठीक है। हमेशा की तरह मैप से स्टार्ट करेंगे, चंपावत का मैप बनाएंगे। मेक श्योर कि आपके पास भी मैप हो ताकि आप देख पाएँ कि कैसे कैसे बन रहा है और कौन सी नदी कहाँ कहाँ से कैसे निकल रही है। ऑल गुड। तो चंपावत का मैप यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ और वो जो मैप है वो कुछ इस तरीके से बनता है जी। चलो हम यहाँ पर बना देते हैं लाइक दिस। ओके तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो मैप है वो कुछ कुछ जो है इसी प्रकार से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये चंपावत का मैंने एक मैप बनाने की कोशिश की है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। कुछ इस तरीके से जो हमारा चंपावत ज़िला है उसका मैप आप देखेंगे, इसी तरीके से आपको मैप भी दिख रहा होगा। ओके तो ये जो मैंने बनाया, ये चंपावत बनाया, पूरे उत्तराखंड में जो है चंपावत का जो मैप है सबसे कम एरिया यहाँ पर चंपावत का ही है। चलो ये हमारा मैप बनके तैयार हो चुका है चंपावत ज़िला, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी बाउंड्री सेट कर लेते हैं। ओके किस किस के साथ कैसे कैसे लग रहा है, चलो ठीक है। सबसे पहली बात देखें ये जो रीज़न है, ठीक है, और ये जो रीज़न है ऐसे, ये ऊपर को, ये जो है ये हमारा है अल्मोड़ा, दिस इज अल्मोड़ा। ये जो ऊपर है ये है पिथौरागढ़ के जस्ट नीचे आता है ना चंपावत, यहाँ पर आपका नेपाल हो गया पूरी तरीके से, ये नेपाल है पूरा। अच्छा और यहाँ से इस तरीके से नीचे को, ये यहाँ को इस ऐसे करके और ऐसे, ये हमारा नैनीताल है, इस साइड को नैनीताल, और ये उधम सिंह नगर है। उधम ठीक है, इधर नेपाल है। तो ये हमने इसकी बाउंड्री सेट कर ली है चंपावत ज़िले की। इस साइड अल्मोड़ा मैप पे देखें आप, है ना, ऐसे अल्मोड़ा है और ठीक इसके ऊपर जो है पिथौरागढ़ है लाइक दिस, यहाँ नेपाल है, यहाँ पर ये नैनीताल है और यूएस नगर बिल्कुल नीचे की साइड में है। तो ये जो हमारा मैप बना है ये हमारा चंपावत का मैप बना है। और इससे पहले आप मेक श्योर अल्मोड़ा को देख लें, आप पिथौरागढ़ का सेपरेट वीडियो है उसको देख लें। पिथौरागढ़ में इवन इतनी सारी नदियाँ हैं, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा वो, आई थिंक बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं वहाँ पे, तो इसको देखें और देखें कि ये नदियाँ कैसे कैसे आ रही हैं। बेसिकली बह के तो नीचे को ही आएगी ना, हाँ। ऐसे अल्मोड़ा को भी देख लें, क्या अल्मोड़ा से कोई नदी यहाँ आ रही है क्या? वैसे मैं आपके लिए बता दूँ कि यहाँ से कोई नदी चंपावत में नहीं आने वाली, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अल्मोड़ा से नदियाँ कहाँ को जा रही हैं, है ना, तो इस साइड को जाएंगी। तो वो सब चीज़ें आप, इसलिए ये जो हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो ये आप एक एक करके आप वीडियो देखें, सारा जो रिवर सिस्टम है बहुत ही शार्प आपका हो जाएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं यहाँ पर एक जगह को देखेंगे, यहाँ पर जगह को देखेंगे, इस जगह को भी थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, इस जगह को भी थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, ठीक है, और ये वाली जगह को भी हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं, कुछ स्पॉट मैंने बना रखे हैं और इनका नाम हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। चलिए लिख दे रहा हूँ मैं नाम, ये जो जगह है ये है गजार, ध्यान देंगे, ये जगह है गजार। ये जो जगह है इसका नाम है रामेश्वर, इसका नाम क्या है? रामेश्वर, ये मैंने लिखा रामेश्वर, ऑल गुड, ठीक है। ये जो जगह है इसका नाम है पंचेश्वर। अब ये पंचेश्वर कहाँ पे आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो पंचेश्वर आ रहा है बिल्कुल बाउंड्री पर आ रहा है पिथौरागढ़ के और चंपावत के। ये जो जगह है इस, ये तो नेपाल है, ठीक है ना, इस साइड को नेपाल हो गया, ठीक है, ये नेपाल है। ये जो जगह है इसका नाम है मटियानी, ये जो जगह है इसका नाम होगा चूका, दैट्स इट। गजार है, रामेश्वर है, पंचेश्वर है, मटियानी है, चूका है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये एक पीक है, ये पीक है, ये पीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये थोड़ा सा आपको कंसिडर करना पड़ेगा मैप में, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अल्मोड़ा से होता क्या है कि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा,
इसकी बाउंड्री बनाते हुए एक बहुत ही फेमस नदी यहाँ पर आ रही है, और वो जो नदी है वो सरयू नदी है, कुमाऊँ की सबसे पवित्र नदी है, जिसका उद्गम जो है ऊपर बागेश्वर के सरमूल से होते हुए आता है ना, इस तरीके से ये बाउंड्री बनाते हुए आती है, पंचेश्वर में काली पे मिल जाती है। ध्यान देंगे पिथौरागढ़ की सबसे बड़ी नदी इवन उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी जो काली नदी है वो बिल्कुल जो नेपाल है इसका बाउंड्री बनाते हुए, नेपाल और उत्तराखंड की बाउंड्री बनाते हुए इस तरीके से बहती है, है ना, बिल्कुल ये बाउंड्री बनाती है। और यही तो यहाँ पर एक जगह बना देंगे और इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये नदी डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ से ये नदी डाइवर्ट हो जाएगी, एक इधर चली जाएगी और एक ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और ये जो महत्वपूर्ण नदी है ये काली नदी है, काली नदी बिल्कुल पिथौरागढ़ और नेपाल की भी बाउंड्री बनाते हुए आती है, इस तरीके से ये चंपावत और नेपाल की भी बाउंड्री यहाँ पर बनाती है, ठीक है। इस जगह का नाम मुझे याद आ गया, देखो बनबसा, ठीक है, बनबसा पे जो है ये इस तरीके से डाइवर्ट हो जाती है, ये एज अ काली महाकाली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, महाकाली महाकाली के रूप में जो है ये नेपाल में चली जाती है, बिल्कुल कम्प्लीटली नेपाल में चली जाती है, और यहाँ हमने इसको निकाल दिया है एज ए शारदा नहर के रूप में, ठीक है, शारदा नहर के रूप में ये एंटर कर जाएगी उधम सिंह नगर में फिर, है ना, उधम सिंह नगर के पूर्व की तरफ ही ऐसे करके ये निकल जाती है। तो ये काली का थोड़ा सा ये हो गया, कहने का मतलब काली मुख्य नदी है तो सारी नदियाँ जो आएंगी वो काली में ही आएंगी। देखो यहाँ से सरयू नदी, ये सरयू नदी है जी, ये जो नदी आ रही है ये सरयू नदी आ रही है, बिल्कुल बाउंड्री बनाते हुए किसकी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और ये चंपावत की, इस ऊपर जो है बाउंड्री बनाते हुए जो ये सरयू नदी है ये आ रही है और यहाँ पर आके काली में मिल जा रही है। सरयू नदी का संगम काली में कहाँ पे होता है तो हम कहेंगे जी पंचेश्वर पर होता है। अब रामेश्वर को भी कोई ख़ास बात है क्या, बिल्कुल, जो पिथौरागढ़ का मैप आपने देखा होगा, पिथौरागढ़ से ही एक नदी जो सरयू में गिरती है वो रामेश्वर नामक जगह पर, वो है पूर्वी रामगंगा नदी, ठीक है, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप पिथौरागढ़ का मैप को देखेंगे। तो पिथौरागढ़ का जो रिवर सिस्टम है ये जो है ऊपर पॉपअप भी होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हम जो है डाल देंगे, ऑल गुड, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बाउंड्री जो आ रही है वो काली नदी आ रही है। उसके बाद देखें, अब ये हो गया, ठीक है, रामेश्वर में क्या हुआ, रामेश्वर जो मैंने पॉइंट जो ये लोकेशन मैंने यहाँ पर स्पॉट की जो बनाई उसका मकसद ये है कि ये एक बहुत ही मतलब फेमस प्लेस भी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है पूर्वी रामगंगा नदी आके मिल रही है, किसमें, सरयू में, संगम क्षेत्र, ये जो संगम क्षेत्र है ये सरयू और काली का है पंचेश्वर। अब मटियानी में क्या हो रहा है, देखो मटियानी में क्या हो रहा है ना, तो मटियानी में भी हो रहा है कुछ। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है लोहाघाट, यहाँ पर लोहाघाट बना रहा हूँ, एक जगह का नाम है लोहाघाट, लोहाघाट से एक नदी आती है और ऐसे मिल जाती है और इस नदी का नाम है लोहावती नदी। लोहाघाट एक जगह है, ठीक है, जगह चंपावत के अंदर एक जगह है लोहाघाट, तो लोहाघाट से लोहावती नदी मटियानी में आके काली में मिल जा रही है, ठीक हो गया। अब ये चूका पे भी एक नदी आ रही है और वो नदी आ रही है, देखो चूका पे जो नदी आएगी वो तो आएगी गजार से, मटियानी पे जो नदी आएगी वो आएगी लोहाघाट से, पंचेश्वर में जो नदी आएगी वो ऊपर बाउंड्री रामेश्वर से होते हुए आएगी, सिंपल। तो चूका पे जो है यहाँ से एक नदी आ रही है गजार, ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, हल्का सनी इस तरीके से ऐसे आप कर्व बनाते हुए यहाँ डाल दो। तो इस नदी का नाम है लधिया नदी, कौन सी नदी, लधिया नदी आ रही है, ये है लधिया। लधिया का उद्गम कहाँ से हो रहा है जी, तो लधिया जो नदी है इसका उद्गम हो रहा है गजार नामक क्षेत्र से। अब जो ये गजार नामक क्षेत्र है ये नैनीताल में भी आ रहा है और चंपावत में भी आ रहा है, इवन ये थोड़ा सा अल्मोड़ा में भी आ रहा है, ऐसा हम देखने को मिलता है। तो गजार जो जगह है ये बिल्कुल बाउंड्री वाली जगह है, ठीक है, तो गजार से ये नदी इस तरीके से आ रही है। एक इसकी सहायक नदी भी है, यहीं पर इसको जो है थोड़ा सा बना देते हैं, ये है रतिया नदी, ये है रतिया नदी, ये आई है लधिया नदी। लधिया और रतिया का संगम जहाँ पर हो रहा है ये अपने आप में बहुत ही फेमस जगह है और इस जगह का नाम है रीठा साहिब। रीठा साहिब जो है सिखों का एक तरीके से तीर्थ स्थल है, ठीक है, गुरु नानक जी यहाँ पर जो है इनका काफ़ी महत्व है इस स्थान का, है ना, जो चंपावत में है रीठा साहिब। तो लधिया और रतिया के संगम पर यहाँ पर रीठा साहिब स्थित है। अब रीठा के ठीक ऊपर यहाँ पर आपको पाटी देखने को मिल जाएगा जी, पाटी एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर पाटी आपको देखने को मिल जाएगा, ये कुछ जगह मैं बना रहा हूँ वैसे ही, है ना। यहाँ पर आपको देवीधुरा देखने को मिलेगा,
देवीधुरा, देवीधुरा के ठीक बाद आप नैनीताल में एंटर कर जाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर देवीधुरा लोकेट कर दिया है, पाटी एक जगह है, विकासखंड है, उसको मैंने लोकेट कर दिया है। पाटी और लोहाघाट के बीच में हमारा आता है खेती खान, ठीक है, खेती खान को भी आप दिखा देते हैं। खेती खान नामक जगह है, इसको भी मैंने लोकेट कर दिया। ये प्रॉपर लोहाघाट हो ही गया। लोहाघाट के ठीक नीचे आप चंपावत, जो मेन सिटी है, वो चंपावत को भी आप यहाँ पर लोकेट कर लें। यहाँ पर चंपावत आपको देखने को मिलेगा। ठीक ऊपर की साइड बाराकोट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। ये बेसिकली ये जगह है, ये जगह मैंने बना दी, ठीक है। देवीधुरा, पाटी, खेती खान, लोहाघाट, चंपावत, ऐसे करके, ठीक है। नदियों का आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया। बस यही तो है रिवर सिस्टम, और इसके अलावा कोई नदी नहीं है, ठीक है। लधिया, लोहावती भी काली की ही सहायक नदियाँ, एज अ सहायक नदियाँ आएंगी यहाँ पर, एज अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर काली। मुख्य नदी यहाँ पर काली ही हमें देखने को मिल रही है, और काली का जो लंबाई है वो आपको पता है कितनी है, 252 किलोमीटर ओवरऑल। कुमाऊँ उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी के रूप में जो काली नदी है वो है, ठीक है। अच्छा कुछ और जगह मैं यहाँ पर बना देता हूँ। चलो ये जो जगह है ये है टनकपुर, ठीक है, ये टनकपुर है। टनकपुर में ही आपको जो है बेसिकली ना जो चंपावत है, यहाँ पे दो ताल हैं, एक ताल आपको यहीं देखने को मिल जाएगा इधर पे टनकपुर में, काली के ही आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है झिलमिल ताल। क्या है? झिलमिल ताल। उसके बाद टनकपुर से ठीक ऊपर यहाँ इस साइड लदिया के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका है श्यामला ताल। क्या है? श्यामला ताल। श्यामला ताल अपने आप में फेमस है, थोड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट टाइप का है, विवेकानंद आश्रम भी इसी पे स्थित है। तो दो ताल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक है झिलमिल ताल, एक श्यामला ताल। और ठीक इसी तरीके से टनकपुर से ठीक ऊपर आपको सूखी डांग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, चलती देखने को मिल जाएगा, सोला, इस तरीके से भी चंपावत आता है, लोहाघाट आता है, बाराकोट आता है, देन इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली ये तो कुछ जगह मैंने बनाई, अगर मैंने मिटा दूं तो आप जो रिवर सिस्टम को ओनली, अगर आप रिवर सिस्टम को यहाँ पर देखना चाहें तो आपको कुछ इस तरीके का ये मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चंपावत है, यहाँ पे चंपावत है, चलो चंपावत को ऐसे बना देते हैं। ये चंपावत, चंपावत की मेन सिटी है, जैसे टनकपुर है यहाँ पर, है ना, ये टनकपुर है, ये बनबसा है, इस तरीके से ये जगह। तो लोहावती, लदिया, इस तरीके से ऊपर से आ रही है सरयू, और ये हमारा कंप्लीट होता है चंपावत का रिवर सिस्टम। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, छोटा सा ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।